नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो बूंदी के लड्डू होते हैं वो बना के दिखाने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ फ्रेंड्स कि जो भी हमको मतलब बेसन या चीनी या पानी जो भी लेना है वो सब नाप से लेना है। एक कटोरी या मेजरिंग कप का एक चीज़ का नाप कर लें और उससे ले लें फिर, तो फिर परफेक्ट लड्डू बनते हैं हमारे। तो एक कटोरी ये बेसन ले लिया मैंने। और एक कटोरी और बेसन ले लिया। अब इसी कटोरी का नाप रखूंगी मैं, चीनी भी इससे लूंगी और पानी भी इससे लूंगी। और थोड़ा सा जो ये बेकिंग सोडा होता है तो ये मैं डालूंगी, मतलब 1/4 चम्मच है ये, आधी चम्मच से भी आधा। एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है बेकिंग पाउडर, तो ये है बेकिंग सोडा। तो अब पानी इसमें लगेगा आवश्यकता के अनुसार। इस बैटर को हमको ऐसा बनाना है कि ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। तो जैसे हम अगर उठा के इसको ऐसे टपका के देखते हैं तो ये ड्रॉप ड्रॉप करके गिरे नीचे। अगर फ्रेंड्स आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ज़्यादा मतलब कि 4-5 मिनट ऐसे फेंट सकते हैं एक ही डायरेक्शन में। अब मेरा ये बैटर बन गया है। बूंदी को हम रंग बिरंगी बनाना चाहते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बैटर निकाल दूंगी, 2-3 कलर की बूंदी बनाना है मेरे को। ये फ्रेंड्स ऑप्शनल होता है, टेस्ट में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर देखने में सुंदर लगे बस थोड़ा सा इसलिए मैं कलर डालना चाहती हूँ। जो जो ये येलो कलर है ये तो मेन होता है डालना, क्योंकि हलवाई भी लड्डू में डालते हैं येलो कलर। बाकी जो मैंने हरा और लाल डाला ये ऑप्शनल है। तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है और जो हम ये सिंपल झारा होता है घर का उससे बनाने वाले हैं। ये झारा सबके घरों में होता है ये फ्रेंड्स, तो इससे बनाने वाले हैं हम। एक बार झारे में से बूंदी डालने के बाद हमको इसको झारे को धोना है इसका बेसन निकाल के। थोड़ी सी खट्टी गिर जाए बूंदियाँ तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब फ्राई होके ये अलग अलग हो जाएंगी और लड्डू अच्छे बन जाए। तो मैंने झारा धो के रख लिया है फिर से और गैस का फ्लेम हमको तेज ही रखना है। बूंदी सिक गई है, हम उनको निकाल लेंगे। मैंने झारे को धो लिया था, अब इसमें से फिर से डालेंगे बूंदी। Thank you.
कढ़ाई का तेल निकाल दिया मैंने और अब इसमें मैं चाशनी बनाऊंगी। ये 2 कटोरी चीनी ले लिए मैंने। पानी ले लिया। ये बूंदी हमारी बन गई है 3 कलर की। चाशनी में थोड़ा केवड़ा वाटर डाल दूंगी। फ्रेंड्स आपको जो भी मतलब कि फ्लेवर पसंद हो, इलायची, केवड़ा, रोज वाटर, कोई भी कुछ भी, वो कुछ भी डाल सकते हैं चाशनी में। और ये फ्रेंड्स जो हमारी बूंदी होती है, हम जो कलर डालते हैं, इससे थोड़ी सी बूंदी तभी तभी बनती है और बिना कलर के थोड़ी सी ज़्यादा फूली फूली बनती हैं। तो आप ये मत समझना कि आपकी बूंदी परफेक्ट नहीं बनी है कुछ, क्योंकि थोड़ा सा कलर डालने से थोड़ा फ़र्क पड़ता है। पर हम जब चाशनी में डालें इनको तो चाशनी पूरी सोख लेंगी तो ये अच्छी बन जाएंगी, बिल्कुल बाजार के लड्डू जैसी बन जाएगी। तो मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा सा फ़र्क होता है इनमें। बाकी लड्डू काफ़ी अच्छे बनते हैं इनके, रंग बिरंगे, और चाशनी भी सोख लेंगे, अच्छे बनेंगे लड्डू। चीनी मेल्ट हो गई अच्छे से, अब हम बूंदी डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा 2-3 मिनट हमको चलती हुई गैस में इसको चलाना है। दो मिनट के करीब हो गया है और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी थोड़ी देर, ताकि चाशनी अच्छे से समा जाए बूंदी में। गैस का फ्लेम बंद कर दिया। फ्रेंड्स अब ये रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं बूंदी बना के मैंने चाशनी में टिक करके, तो अब ये थोड़ी ठंडी हो गई है। अब इसके लड्डू बनाना है तो मैं ये खरबूजे के बीज है थोड़े से ये रोस्ट कर लूंगी। आपके पास फ्रेंड्स खरबूजे के बीज ना हो, अगर तरबूज के बीज हो तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी बस इनकी नमी निकालनी है तो ये टेस्टी लगते हैं काफी लड्डू में। बीज हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। लड्डू में डाल देंगे ये। और फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि मुझे आपके लिए क्या बना के दिखाना है, तो मैं वो चीज़ बना के दिखा दूंगी। तो आप मेरे को सजेशन दे सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना लिख के कि मैं अगली बार क्या बनाऊँ आपके लिए। अब आपको जितने अच्छे लगे उस साइज में लड्डू बना सकते हैं, छोटे या बड़े। और अगर ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये मैं थोड़े से बड़े साइज के बना रही हूँ, राजस्थान में जैसे शादियों में बनते हैं थोड़े से बड़े रंग बिरंगे बूंदियों के। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो और को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।